guys, welcome back to Shraddha's vlog. Hope you are doing good and I am sure you are liking my videos. आज के vlog में जो है मैं आपके साथ मेरा wardrobe organization share करूँगी. तो अभी ये video start करते हैं. देखते हैं ये दो wardrobe है मेरे घर में. एक ये wardrobe है, then ये second wardrobe है. इस वार्ड्रोब में मेरे कपड़े, ये वाला वार्ड्रोब जो है ये मेरा है, ये जो वार्ड्रोब है ये मेरा है और ये मेरे बेटी का है. ये और मेरे हस्बैंड जो है मेरे घर में जो दूसरा बेडरूम है वो उसमें भी वार्ड्रोब है. वो वाला वार्ड्रोब वो मेरे हस्बैंड उसमें अपने क्लॉथ्स रखते हैं. और ये बेडरूम में जो वार्ड्रोब है ये मैं, मेरी बेटी और मैं यूज़ करते हैं. तो अभी फर्स्ट मेरे वार्ड्रोब से स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये है मेरा वार्ड्रोब. काफ़ी यूज है, काफ़ी बड़ा सा वार्ड्रोब है. इसके ऊपर जो है एक साइड में मिरर लगा है, यहाँ पे मिरर लगा है और काफ़ी लॉन्ग मिरर है. ये जो है ये मेरा वार्ड्रोब है और जो आप पीछे मेस देख रहे हो आप इसे भूल जाइए, तो पूरा मेस ही हो गया है. ये मेरे बेटी यहाँ पे खेल रही है इसलिए ये सब है. तो ये काफ़ी बड़ा सा मिरर है इस पर. और ये ओपन करने के बाद जो है इसे मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा है. टॉप से स्टार्ट करते हैं. सबसे ऊपर में एक जो है रॉड दी है. ये रॉड पे मेरे सारे जो बाहर जाने के कपड़े होते हैं, मीन्स जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो सारे कपड़े मेरे यहाँ पे है. और मैं मोस्टली डेनिम जीन्स और टी शर्ट प्रेफर करती हूँ पहनना. तो मेरी सारी टी शर्ट्स शर्ट्स ये सारे यहाँ तक है. और इसके पीछे जो है ये रेड वाले के पीछे के जो कपड़े हैं ये सारे मेरे कुर्ताज है, कुर्ती है, ये सारी कुर्ती है. तो इस तरीके से मैंने इनको सब हैंगर पे रख के रखा है. और उसके नीचे जो है मैंने एक बास्केट में परफ्यूम्स रखे हैं. मुझे परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे परफ्यूम है. तो यहाँ पे सब परफ्यूम रहते हैं. और ये वाला जो काउंटर है ये मैंने क्लीन रखा है. इस पर मैं कुछ भी नहीं रखती बिकॉज कभी जल्दी में रहती हूँ तो मैं अपनी टी शर्ट्स और टी शर्ट और जीन्स कभी कभी यहाँ पर रख देती हूँ. इसलिए मैंने ये काउंटर जो है क्लीन रखा है. कभी कभी मैं इधर अपना लैपटॉप भी रखती हूँ. और यहाँ पे है मेरा कैमरा का कवर. मेरा कैमरा हमेशा यहाँ पे रहता है. और उसके बाद जो है ये दो ड्रॉर्स है. दो ड्रॉर में से इस ड्रॉर में जो है मैंने अपनी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी है, कुछ पर्स है. जैसे ये छोटी सी एक पर्स है मेरे पास, ये पैसे रखने का पाउच ये रखा है मैंने. उसके बाद ये मेरी डेली यूज़ की पर्स, स्लिंग बैग है और टेप रखी है इसमें मैंने और कुछ पेपर्स रखे हैं. उसके बाद ये सेकेंड ड्रॉअर में जो है मैंने अपने इनर वेयर रखे हैं. तो ये दिखाने में मुझे थोड़ा शर्म सी आ रही है इसलिए ये वाला सेक्शन मैं दिखाऊंगी नहीं. तो इसमें मैंने अपने इनर वेयर रखे हैं सारे. भी जो है ये काफ़ी अंदर तक डीप है, मीन्स काफ़ी यूज ड्रॉअर्स है ये. उसके बाद इसके जस्ट नीचे का सेक्शन जो है इधर मैंने अपने ये साइड में सारे डेनिम रखे हैं. ये मेरे सारे डेनिम्स हैं. इसके बाद यहाँ पे जॉगर्स और लेगिंग्स रखे हैं मैंने. उसके बाद ये जो है ये पैजामाज है जो डेली वेयर के हैं. उनके पीछे जो ये टी शर्ट्स रखे हैं ये भी डेली वेयर की टी शर्ट्स है मेरी और ये भी डेली वेयर की टी शर्ट्स है. उसके बाद नहीं, और ये साइड में मैंने सारे हैंकी रखे जो फेस क्लीन करने के होते हैं. ये हैंकीज रखे हैं यहाँ पे मैंने. और फिर इस ये सेक्शन के जस्ट नीचे ये सेक्शन में मैंने नाइटी रखा है, मेरे शॉर्ट्स रखे हैं. उसके पीछे जो है विंटर वेयर रखा है. और ये साइड में जिम के कपड़े हैं, मीन्स जिम में जो पहनते हैं वो वाले कपड़े रखे हैं. और फिर ये वाले ये सेक्शन के नीचे दो सेक्शन बने हैं. और ये लास्ट सेक्शन में स्कार्फ्स हैं. जैसे मैं स्कूटी एक्टिवा चलाती हूँ तो मैं अपना फेस हमेशा कवर करती हूँ. तो उसके लिए कुछ चुन्नीज रखी है वहाँ पे, दुपट्टाज रखे हैं. उसके बाद ये विंटर वेयर है सारे, ये यहाँ पे विंटर वेयर रखा है मैंने, जैकेट्स एंड ऑल. उसके बाद ये जो है ये मेरे टॉवल्स हैं
मैं हमेशा ऐसे टॉवल यूज़ करती हूँ अपने हेयर को कवर करने के लिए, आफ्टर कपड़े से कवर करती हूँ। तो ये मेरे टॉवल्स रखे हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि इससे जो है पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये साइड में मैंने अपने कुछ स्कर्ट्स रखे हैं, जिसमें पेंसिल स्कर्ट है और डेनिम के कुछ स्कर्ट है। तो इस तरीके से मैंने अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करके रखा है, आप फुल देख सकते हो वार्डरोब। और मेरे वार्डरोब के ऊपर जो है वो लॉफ्ट है, उसमें हमने कुछ चीज़ें रखी है, जैसे एम्प्टी बैग्स है, उसके बाद कुछ लगेज रखा है उसमें, और उसमें मैंने अपनी साड़ीज वगैरह रखी है जो रेयरली यूज़ होती है, इसलिए मैंने उनको ऊपर रखा है बैग में। या शादी की जो भी साड़ीज़ है मेरी, और फैंसी साड़ीज़, जो भी साड़ीज़ है वो उसमें रखी है मैं। इस तरीके से जो है मैंने अपना वार्डरोब जो है ऑर्गेनाइज करके रखा है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा हमेशा वार्डरोब ऐसे ही रहता होगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा वार्डरोब जो है हार्डली 2 वीक्स या 15 डेज तक ऐसे इतना नीट एंड क्लीन दिखेगा, उसके बाद जो है ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है, फिर अगेन मुझे इसे क्लीन करना होता है एंड देन ये क्लीन रहता है। और ये वन मोर थिंग कि मैंने ये साइड में कुछ हुक्स लगाए हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हुक्स लगाए हैं जहाँ पे मैंने बेल्ट्स रखे हैं अपने। दीदी माँ का वार्डरोब आपको दिखाती हूँ कि उसका वार्डरोब मैंने कैसे अरेंज किया है। उसके वार्डरोब में जो है उसके कपड़ों के अलावा और भी चीज़ें मैंने रखी है, तो अभी चलते हैं उधर। ये जो है ये मेरा दूसरा वार्डरोब है, तो अभी मैं इसे दिखाती हूँ इसे मैंने कैसे अरेंज किया है। सबसे टॉप वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पे मेडिकल किट रखी है, जिसमें सारी मेडिसिन्स हैं, और उसके ऊपर मैंने अपने VLCC के जो है फेशियल किट रखी है। बास्केट में मैंने सैनिटरी नैपकिन्स रखे हैं, उसके बाद जो भी सोप रहती है हमें एक्स्ट्रा जो लगती है वो इसमें सब रखा है मैंने। और ये वाले बास्केट में जो है मैंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हैं, और लास्ट में जो है वो एक्स्ट्रा कुछ टिफिन बॉक्सेस रखे हैं जो अभी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। बैग में मैंने कॉटन रखा है। उसके सेक्शन में जो है ये वाले सेक्शन में मेरे बेटी के कपड़े हैं सारे, ये जो है ये बाहर जाने के कपड़े हैं, मीन्स बाहर जाते टाइम पहनने के कपड़े हैं। और उसके बाद ये साइड में जो है मैंने उसका यूनिफॉर्म रखा है, यूनिफॉर्म जो भी सेट ऑफ यूनिफॉर्म्स है वो ये साइड में रखे हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसे शेल्फ बना के दिया है एक, तो इस शेल्फ में मैंने उसके डेली वेयर के कपड़े रखे हैं। ये वाले शेल्फ में उसके मैंने डेली वेयर के कपड़े रखे हैं, यहाँ पे पैजामाज है उसके, और इधर जो है उसकी टी शर्ट्स है फुल स्लीव वाली एंड यहाँ पे हाफ स्लीव वाली। बैंगलोर में जो है ठंडी बहुत होती है, इसलिए फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स भी बाहर ही रखनी होती है। और उसके बाद जो है इसके जस्ट नीचे एक ड्रॉअर है, इस ड्रॉअर में मैंने उसके इनरवेयर रखे, कैमिसोल पैंटीज और ये हॉट पैंट्स इस तरीके के, ये सब मैंने इसमें रखे हैं। यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये मैंने अपने मेकअप के लिए यूटिलाइज़ किया है, उस पर मैंने एक बास्केट रखी है जिस पे मैंने अपना मेकअप अरेंज करके रखा है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ कपड़े रखे हैं, जैसे ये साइड में उसके नाइट वेयर है और ये फ्रॉक रखे हैं। ये साइड में भी एक सेक्शन है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मेरे पास 2 ऐसे बॉक्सेस थे, इन बॉक्सेस में एक बॉक्स में मैंने जो पार्टी वेयर फ्रॉक होते हैं या गाउन होते हैं रिधिमा के वो सब रखे हैं, और एक बॉक्स में मैंने उसके सलवार सूट इथनिक वेयर जो है वो सब रखे हैं, सलवार सूट लहंगा चोली, और इसके ऊपर जो है इसका कुछ विंटर वेयर का ऐसा जैकेट है जो इमरजेंसी में लगता है, तो वो यहाँ पे रखा है मैंने वॉश करके। उधर स्वेटर, विंटर वेयर का स्वेटर प्लस एक हैट रखी है, वुलन की हैट रखी है। और यहाँ पे उसने अपना बटरफ्लाई का ये रखा है, वो हमेशा यहीं पे रखने बोलती है मुझे, तो मैंने यहीं पे रखा है। और आप देख सकते हैं ये कैन भी है मेरे पास, इस कैन में जो है वो रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर जो है मैं हमेशा फेस पे स्प्रे करती हूँ और बालों पे, इसलिए मैंने इतना बड़ा कैन लिया है। ये जो है मैंने रिधिमा का वार्डरोब अरेंज किया है। आई होप आज का मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आपको अच्छा लगा है।
अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करते रहिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो की, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और टिल देन बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट ब्लॉग।